हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट लीवर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लीवर का हम पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो लीवर क्या होता है, मॉडिफाइड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसके अदर फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जो लीवर होता है उसमें क्या होती है, हेपेटोसाइट होती है, लीवर सेल होती है जिसे हम हेपेटोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हेपेटोसाइट होती है, एक हेपेटोसाइट जो होती है वो क्या होती है, लार्ज सेल होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, राउंड ओपन फेस्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इसका जो लीवर होता है, लीवर के जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइजेबल होते हैं लार्ज नंबर्स में, और लार्ज नंबर टू लार्ज लोब्स होते हैं, लार्ज नंबर और लार्ज लोब्स में। ठीक है, और एक जो होता है, एक लोब जो होता है उसमें बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है लीवर सेल्स का, उसे क्या बोलते हैं, बाइल। ठीक है, और जो बाइल होता है वो क्या करता है, लीवर से डेलीकेट होता है बाइल कैनिकुलाई में। ठीक है, डेलीकेट बाइल कैनिकुलाई जो होती है उनमें पॉड हो जाता है, मतलब उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो सेल होती है, बाइल कैनिकुलाई जो होती है उसमें सेल में रिलेशन होती है उनकी। ठीक है, एंड बाइल कैनिकुलाई जो होती है, जो कैनिकुलाई होती है उनसे जो बाइल होता है वो क्या होता है, लार्ज डक्ट में चला जाता है, जो लार्जर डक्ट होती है उनकी एंड में चला जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है, बाइल डक्ट तक पहुँच जाता है, लार्जर डक्ट जो होती है बाइल डक्ट उनमें चला जाता है। ठीक है, और जो डक्ट होती है वो बाइल को क्या करती है, ड्यूओडेनम तक पहुंचा देती है। ठीक है, जो बाइल डक्ट होता है उनसे जो बाइल होता है वो क्या होता है, ड्यूओडेनम तक पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या करता है, जो बाइल होता है वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है, फैट का डाइजेशन स्पेशली उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो सेल्स लीवर होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, गट में जो भी सब्सटेंस आते हैं, बॉडी से जो भी सब्सटेंस आते हैं गट में, उनका ध्यान रखता है। ठीक है, और सम ऑफ देम जैसे कुछ फैट्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको री सिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसे डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनसे वापस सिक्रेशन जो सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और अदर जो होते हैं वो स्टोर होते हैं लीवर सेल में। ठीक है, फ्रॉम सब्सिक्वेंट यूज। ठीक है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइड करने का काम भी किसका होता है, लीवर का। ठीक है, और जो सेल्स सिनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, सिनोसाइट्स और लीवर सेल्स में कॉन्टेक्ट होता है, जिस उसमें जो सिनोसाइट्स और लीवर सेल्स प्रेजेंट होती है ब्लड में, उनको उनमें कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, अब जो पोर्टल वेन्स होती है, वो पोर्टल वेन क्या करती है, ब्लड को स्प्लीन से लीवर तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उनको क्या करती है, रीचिंग द लीवर, मतलब लीवर तक पहुंचाने का काम करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उनको पोर्टल वेन के थ्रू वो लीवर में पहुंचता है। ठीक है, एंड जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन ऑल्सो रिसीव, जो ऑर्गन्स होते हैं अदर वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन सी आर्टरी के थ्रू, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, उसकी जो ब्रांचेस होती है उसके थ्रू। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, पोर्टल वेन के थ्रू जाता है, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू या उसकी जो ब्रांचेस होती है उनके थ्रू जाता है। थैंक यू।